छोड़ो, पाकिस्तानी रुपए में चाहिए ना तो ले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है ओके, रहने दो। अरे मेरे सर का गला घोट रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। यार सीन कुछ ऐसा है, कल बड़ा बैड लक हो गया मेरे साथ, बड़ा ही बैड सीन हो गया कल मेरे साथ। मैं व्लॉग बनाते बनाते आधे व्लॉग में मेरे को नींद आ गई, क्योंकि बलू सो रही थी, मुझे भी नींद आ गई, मैं भी सो गया। फिर मैं उठा ही नहीं, पता चला कि बलू जो है अब मुझसे नाराज़ है। नाराज़ इसीलिए क्योंकि उससे मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ की ऑयलिंग वगैरह करूँगा, तुम्हारी आज पूरे दिन की टेक केयर करूँगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, तो बहुत नाराज़ है। मनाने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तो मुझे लग रहा है आज सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ही खिदमत करनी पड़ेगी। तो चलो कोई मसला नहीं है। एनी वे, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुँचा दो यार। मतलब यार 4,000 तक नहीं कर रहे यार तुम लोग, इतना थोड़ी, एक आपने बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाओ और 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। चलो आ जाओ, वलू को मनाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो वलू? कैसी हो? फिर से पूरा कमरा फिर आ गया, मैं वह साफ नहीं करूँगी, मैं पागल नहीं हूँ कि रोज रोज कमरा साफ करूँ। कोई बात नहीं जान, मैं कर दूंगा, मैं कमरा साफ कर दूंगा। हाँ वैसे भी आई मीन कर लूँ, मैं आ गई, मैं तो सिर्फ सो रहा हूँ। यार ऐसे तो नहीं बोलो मेरे शेर को यार। चुप कर बे कुत्ते। शेर जैसे ही रोता है ना पूरा कांपना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, शेर रोएगा तो शेर के सामने तो हम कांपेंगे ना यार, वो शेर है। तुम तो ऐसे नहीं बोलो मेरे शेर को, तुम देख रहे हो ना मेरे शेर को, ये कैसे बोल रही है? बुरा लग गया शेर के पापा को जो जो ना सो जाता है झूठ बोल बोल के। खैर कोई मसला नहीं, चलो आ जाओ अभी तुम्हारी मालिश कर देते हैं। आ जाओ। नहीं करो, ऐसी चंपी करूंगा तुम्हारे सर की गंजी हो जाऊंगी मैं। ऐसे भी नहीं है, अच्छी अच्छी करूंगा। चलो जाओ नहीं, अपना ऑयल बना के लेके आओ, मैं तुम्हारे सर की चंपी करता हूँ। जाओ, मैं तुम लोग को नहीं दूंगी वो ऑयल बना के, तुम लोग गंजे ही रहो। मैं अपने लिए ऑयल कल लेके आ चुका हूँ, जो मैं यूज करता ना वो ऑयल ला चुका हूँ, मुझे जरूरत नहीं। जाओ, तो मुझे भी आपकी चंपी की जरूरत नहीं है, आप मेरे से बात नहीं करो यार। मतलब बीवी की एक ना मानो ना तो इतने नखरे उठाने पड़ते हैं ना, मैं क्या बताऊं, मतलब जिंदगी खराब कर देती है वो। मुझे भी चावल खाने। चावल इस टाइम पे चावल कहाँ से आएंगे यार? छोले वाले चावल। ये जो नीचे खड़ा होता, ये हर चीज में मेरी एक्टिंग करेगी, हर चीज में कॉपी कैट है ये, हर चीज में मेरी कॉपी करनी है। वो मैं खाने लगा, रोज मैं खाता हूँ, अब इसको भी खानी है। नहीं ला के कुछ कह भाई, सही है, लाके दे रहा हूँ, हर बात मनवाएगी आज। वो वाला कावा भी देना, तेरा पेट ऑलमोस्ट अंदर हो चुका है, थोड़ा सा यहीं पे। सही है भाई, कावा भी दे देना। चलो यार चलते हैं, इनकी खिदमत में पेश करते हैं वो चावल। तो अभी जो है अकेले ही जाना पड़ेगा, मैंने उसको भी बोला कि चलो तुम भी, तुम्हें भी थोड़ा घुमा के ले आऊंगा, लेकिन नहीं उसको तो जाना ही नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम कौन से चावल की बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरा उसको ना जगह दिखाता हूँ कि वो कहाँ से मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से चावल है जो ये खाना चाह रही है, और मैं उसको रेगुलरली खाता हूँ। चलो, या तो थोड़ा सा चिकन लेके ना दाल से जान छोड़ाते हैं, रोज़ रोज़ दाल बनती है घर पे। ये भाई छोले चावल मतलब अनबीटेबल है, ये इसका टेस्ट लाजवाब है। जी तो भाई घर पहुंच चुके हैं, हालत बड़ी ख़राब हो गई यार, एक सामान लेने गया था, बहुत कुछ लेके आ गया साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता ही था घर आऊँगा और ये सो रही होगी, वैसे ही हुआ। हेलो, क्या मजाक है यार, ये देखो एक सो गई, ये सब देखती रही। सच कहते हैं माँ बनने के बाद ना इंसान बहुत बदल जाता है, और बाप बनने के बाद बाप बहुत बदल जाता है। बेबी,
इतनी प्यारी है ना ये माशाल्लाह। Oh my God! इसलिए ये वजह है कि मुझे इस पर इतना प्यार आता है और मैं हर बात इसकी मानता हूँ। चलो अब इसको उठाते हैं, इसको थोड़ा खाना वाना खिलाते हैं। चलो भाई खाना वाना खा चुके हैं, इतनी मुश्किल से इसको उठाया, सो गई थी ये। अब जो है मैंने ये तेल जो है तैयार कर दिया है, इनके बालों में अप्लाई होगा ताकि इनके बाल बाल जो टूट रहे हैं ना, टूट तो नहीं रहे खैर, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं माशाल्लाह इसके बाल, बाल तो मेरे टूट रहे हैं। इनको चंपी कर देते हैं, वही है ना पूरे दिन आज मैंने अपनी बेगम की खिदमत करनी है, कल मैं सो गया था। यार बीवियों की बात मान लिया करो, इससे ये होता है आप इन चीज़ों से बच जाते हो। अभी देखो मेरी कैसी बुरी हालत हो रही है और इसका रीज़न ये है। पैम्पर भी नहीं लाए तू? हाँ भाई ले आऊँगा, पहले इनके लिए रोज़ लाया करता था, फ्लावर्स लाया करता था, अब बच्चे के लिए पैम्पर लाने पड़ते हैं। तो भाई वास्तव में बोला तो मैंने फूल भी नहीं लाते अब। अच्छा अब फूलों का खर्चा उससे ज़्यादा वो पैम्पर पे आ गया है ना। थैंक यू। देख रहे हो यार शेयर का, देख रहे हो आ जाओ। मुझे तो वाला लैपटॉप दिला हो जो तुमने देखा था मुझे। हाँ प्रॉमिस कर दो। दिला दूंगा ठीक है, डन पक्का। तुम्हारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट लैपटॉप है गाइस, इसके लिए मैंने एक लैपटॉप पसंद किया है, जैसे ही ना थोड़ा बहुत हो जाएगा ना फिर मैं इसके लिए वो लैपटॉप लेके आऊंगा, इतना मस्त लैपटॉप है। जबरदस्त। तुमने तो मुझे अभी तक अपनी वैलेंटाइन का भी नहीं पूछा। वैलेंटाइन क्या होता है? तुझे मैं सेल करूंगी 19। यार मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है ना, मुझे पता ही नहीं है। हाँ हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की। 19 क्या, तुझे $1 में ही भेज दूंगी किसी को। $1 मुझे $1 में भी कोई नहीं खरीदेगा। चलो यार आ जाओ गाइस की चंपी करते हैं, आ जाओ। ये देखो भाई, तो ये मेरा आहन जल्दी जल्दी अब मालिश करेगा क्योंकि कल ये सो गया था। कल मैं इतने दिल से उठी कि अब मैं उठूंगी मेरे तो सर की मालिश होगी, लेकिन यार मियाँ सो गया तो आहत के मेरे अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि हम दोनों के बाल ना काट लें, हम दोनों कड़ली कुतियाँ हैं। आहत तुम्हारे बाल दिखाओ ज़रा, इसके तो बहुत ज़्यादा, जब इसके बाल बढ़ जाते ना यहाँ तक इसका तो मैगी वाला कर्ल आ जाता है, पर मेरा इतना नहीं आता। गाइस आहत ना मुझसे जलता है, पता है तुम लोगों को, अभी जैसे मैंने बाल कंघा किया इसको ऐसे जलना शुरू हो गया था मेरे से। ठीक से करो, हाथों में जान ला के हंसा नहीं बनो। देखो लव मैरिज करने का ये फ़ायदा होता है, देख रहे हो। अब जो है ना तुम लोग ये व्लॉग इंजॉय करो। और मैं ये मालिश, और मैं माशाल्लाह से दो दो बच्चे इतने अच्छे से हैंडल करती हूँ, भरोसा ही नहीं होता अपने आप को। अरे मेरे सर का गला घोट रहा है, ये मुझे सर की मौत देना चाहता है, देख रहे हो तुम लोग। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है गाइस। अभी मैं व्लॉग बनाने की हालत में नहीं हूँ, तो ये हो जाए फिर हम वापस आते हैं। क्या तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, हम दोनों की जो जिंदगी है वो ऐसे ही है, हमने नहीं सोना, जगर मुर्तसिम जाग रहा है तो हम भी जाग रहे हैं, मुर्तसिम सोएगा तो भाई फिर हम सोएंगे, हम दोनों की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि एक ऐसा शेर पैदा हो गया हमारे में। वो बोला मेरी बुराई करता है, अभी रोके दिखाता हूँ। हाँ जा रहे हो, और अगर कुछ भी बोलो ना तो यूं करके देखता है, उसको सब कुछ समझ में आता है भाई। मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे खोल दो, मुझे गर्मी लग रही है, ये लो चलो खोल दिया, अब क्या चाह रहे हो, ये देखो मुर्तसिम ठंड है, ठंड इतना बड़ा लड़का है और से सुनता ही है, सुनता ही नहीं है, सुनता है। बूढ़े माँ बाप को तंग करके रखूं, बूढ़े को तो देखो, बुढ़िया को तो देखो कैसी बुढ़िया हो रही है। चलो गाइस हम लोग कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इसको सुलाने की। एक और चीज है जो मैंने अभी अपने घर पे करी है, आओ दिखाता हूँ, दिखाता हूँ
तो गाइस एक नई चीज है जो मैंने अपने घर पे करी है। फारिक बंदा होता है ना तो ऐसी ऐसी चीजें ट्राई करता है। ये करा है मैंने घर पे, ये मेरे पास पेंट खत्म हो गया था, स्प्रे लाया था लेकिन यार ज्यादा हुआ ही, ये वाला स्प्रे लेके आया था खत्म हो गया। यार रेड किया मैंने या वाइट किया, मैंने बोला फिलहाल चलो इतना भी सही है, बात की बाद में देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है किचन, अब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार कैसा किचन हो रहा है, किचन यार हम लोग साफ़ करते हैं रोज़, हमारा घर साफ़ होता है लेकिन फिर भी साफ़ होने के बावजूद भी साफ़ नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है रेंट का घर है हमारा, अपना घर नहीं है, जाती घर होता तो बंदा जितना आए उतना लगाए। खैर इंशाल्लाह अपना घर भी आ ही जाएगा, अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह पाक के हुक्म से अपना घर भी आ जाएगा, तो उस पर खर्चा करेंगे हम लोग। अभी जितना भी कुछ होता है थोड़ा बहुत तो हम इस पर थोड़ा बहुत लगाते रहते हैं घर पे। क्या हुआ सो गया? ये मजाक नहीं करते ऐसे, इसका नाम भी मुझे लगा मैंने गलत रख दिया। इतना छोटा सा आदमी है ये, इतना बोड़ा है, इसकी हरकत रही बोड़े को देखो, वापस देखो अब उतरने की कर रहा था किए से, देखो तो ना मैं रस्सी से बांध के रखूंगी, रस्सी ऐसे इसको इतनी चिढ़ लगती है, कोई इसको पप्पी करे इतना चिढ़ता ही है। अभी तो वो बोल रहा है मैं खुश खुश हूं कि मुझे खोल जो दिया। चले यार तो हम लोग इसको सुलाते हैं, आ जाओ चलो ताला लगा दो ना, आ जाओ ना ताला ले लिया, आ जाओ। ये आहद मुर्तसिम को ले गया है जस्ट बिकॉज उसको पता है कि मुझसे मुर्तसिम संभलता ही नहीं है। ये इधर आ रहा है लेकिन ये पता नहीं, ये देखो यार तो भाई घर पहुंच चुके हैं। जो छोटे बच्चों को साथ ले जाने में मजा ही आ रहा है, इतना मजा है कि ये बंदा दुकान पर भी उसको साथ लेके गया और दुकान वाले को दिखा रहा है कि ये मेरा बेटा है। उसका फायदा ये हुआ ये इतने सुकून से सो गया। मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं प्रेगनेंसी में हम जितना ज्यादा घूमी हूँ ना, मैं अपने पूरे के पूरे 9 to 10 months मैं घर में टिकी ही नहीं हूँ, क्योंकि सब बोलते भी रहते थे भाई क्या हो गया पहली प्रेगनेंसी। तो भाई हम जो है मुर्तसिम का अंडर गारमेंट जो है वो लेके आ चुके हैं, पैम्पर अंडर गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स आज तो आना बात नहीं करूंगी है तो अंडर गारमेंट्स ना नहीं पैम्पर बोलो, अंडर गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स आ गया। और फायदा ये हुआ उसको बाहर ले जाने का कि वो बड़े सुकून से माशाल्लाह सो रहा है। तुम तो बोल रहे थे कि क्या नाम है उसका, तुम मुझसे पूछोगे वैलेंटाइन का, वो तुमने तो नहीं पूछा वैलेंटाइन? यार ये कहीं तो सुना है मैंने, एग्जाम में आया था मेरे ख्याल से, पता नहीं याद नहीं आ रहा ये क्वेश्चन मैंने। चुप, हाँ अभी याद आया, मैं तो मैट्रिक में फेल हो गया था, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ना तो मैं इसका आंसर दे ही नहीं पाया तो मैं फेल हो गया था, याद आया। ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक है ओके रहने दो। लो जी तो भाई इस व्लॉग का यहीं पर ही करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग पूरा बनाया और पूरा एंड किया तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में अच्छा सा अच्छा अपना सपोर्ट दिखाएंगे और कम से कम 1000 लाइक्स तो कर ही देंगे, है ना, 1000 लाइक्स तो होने ही चाहिए तो चलो, और 10,000 का जो हमारा टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा करके दो। मुझे नहीं पता आप मुझे बेच दो, आप मुझे कहीं पे रोड पे ले जाके नचवा दो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करके दो, सही है, आप मुझे बेच भी दो कोई इशू नहीं है लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर किसी को ये बंदा चाहिए ना $1 भी छोड़ो पाकिस्तानी रुपए में चाहिए ना तो ले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं है। यार ये वैलेंटाइन मुझे नहीं पता क्या होता है यार, तुम लोग ना कमेंट करके बताओ वरना ये जिंदगी मेरी अजाब कर देगी यार, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जाम में आया भी था या नहीं आया था। यार ये कौन से सब्जेक्ट में था यार ये वैलेंटाइन का, तो यार मैं याद करने की कोशिश करता हूँ ठीक है, और तुम लोग भी कमेंट में लिख दो अगर तुम लोग को याद आ जाए ठीक है, बाकी कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।